माफ कीजिए, हम बिल्कुल कोई मीडिया से बात नहीं करना चाहते। हम मीडिया की मोहमाया से भी ऊपर उठ गए हैं, लेकिन क्या करें, अगर इंटरव्यू लेने वाला इतना मज़ेदार हो तो इंटरव्यू देने का मन करता ही है। हम बात कर रहे हैं विभूति नारायण की, जिन्हें कानपुर के एक लोकल चैनल में मिल गया है इंटरव्यू लेने का काम, और ये पहुँचे हैं सलमान खान का इंटरव्यू लेने। अफसोस बस इस बात का है कि यहाँ पर नकली सल्लू मियां मिल गए इनको। कोई बात नहीं विभूति जी, इंटरव्यू लेना है कर ही लीजिए। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना सलमान खान साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो बोल। मैं सलमान खान हूँ। विभूति नारायण रिपोर्टर बनकर पहुंच गए हैं सलमान खान का इंटरव्यू करने। साथ में टीका मलखान और टिल्लू भी हैं। एक कैमरामैन बना है तो बाकी दो असिस्टेंट, और ये चारों पहुंचे हैं सलमान खान के मेकअप रूम के बाहर। नाम देखकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से निकला एक पठानी ड्रेस वाला आदमी, जिसने अपने आप को सलमान खान बता दिया तो हो गए विभूति और उनके साथी कंफ्यूज। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना सलमान खान साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो बोल। मैं सलमान खान हूँ। बोल क्या काम है। अरे भैया ये सचमुच सलमान खान है भैया। वो क्या इतने भारी गेटअप रख रखो ना, इतने बड़े भारी वालों मेकअप कर रखो भैया। इस मस्त भी सलमान खान भैया पकड़ लिया अंगूठे से क्यों भी कर रहे हो तुम। हाँ हाँ भैया सलमान ही है, सलमान ही है वो, सलमान ही बहुत बड़े भैया समझ गए। विभूति नारायण सलमान को ढूंढते हुए निकल गए, मगर जाने से पहले टीका मलखान और टिल्लू को झापट मारकर साथ ले गए। यहाँ इस सीन में भले सलमान खान नहीं मिले, मगर असल में तो ये सब सलमान से मिले भी और उनका इंटरव्यू भी किया। तिवारी जी बोलते हैं कि मैं जो उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है अतुल अग्निहोत्री, उसको जानता हूँ, इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये बड़ी उससे खिदमत कर, बहुत मुझसे इल्तिजा करता, रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ ज़रा अतुल से बोल दीजिए। तो ये तिवारी जी पूरी ब्लैकमेल करते हैं मुझे, जूते पॉलिश करवाते हैं, घर के सारे काम करवाते हैं मुझसे कि ठीक है हम तुम्हें बात करवा देंगे। फाइनली इसे जाओ तुम स्टूडियो में, और स्टूडियो में जो वॉचमैन उससे बोलना कि उसका कोड वर्ड है, वो एक कोड वर्ड बोलोगे तो तुम्हें अंदर एंटर करने देगा। मैं पूछता हूँ कोड वर्ड क्या है, तो कोड वर्ड ये है कि पूछना उससे तेरी बीवी हॉट है। तो ये जाके पूछता, मैं नहीं पूछता, साथ में टीका मलखान और टिल्लू भी जाते हैं, तो टीका जाके पूछता तो वॉचमैन बड़ा मारता है उसको। विभूति नारायण ने ना सिर्फ सलमान का इंटरव्यू किया है, बल्कि वो तो सलमान खान के फिल्म भारत में एक बहुत ही अच्छा किरदार भी निभा रहे हैं, सलमान खान के जीजा का किरदार। पूरी फैमिली को लेके साथ चलता है वो सलमान खान पूरी फिल्म में, और ही इज द ओनली वन। ये जो कैरेक्टर है ही इलाहाबाद कोर्ट में, एक कोर्ट हाई कोर्ट में काम करता है, ही इज एडवोकेट, और ये ही इज द ओनली वन हु इज नॉट इन टैंडम विद हिम। ही डज नॉट से यस टू सलमान खान आइडिया। हमेशा होता ना कि एक फैमिली में एक होता है कि जो आपको पिन मारता रहता है, पिन मारता रहता है एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सलमान खान के साथ करीब 7 साल के बाद वो फिर से काम कर रहे हैं, और अपने और सलमान के किस्से सुनाते वो थकते नहीं हैं। सलमान के साथ जब फिल्म करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका दिन शुरू होता है उनके साथ, और फिर वो जब लंच ब्रेक होता है फिर वो एक बहुत बड़ा स्प्रेड लगता है लंच का, और बाद एंड ऑफ द फिल्म आप सबके वेट एक्स्ट्रा 5-5 किलो बढ़ चुके होते हैं, लेकिन उनका वेट वही रहता है बिकॉज वो शाम को जाके वर्कआउट करते हैं। तो दिस टाइम आई वॉज वेरी केयरफुल एंड वी डिड अ शेड्यूल इन लुधियाना, इट वॉज लॉट ऑफ फन। उन्हीं का ये जो मैं आज इतना फिट हूँ कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये उन्होंने मुझे हम साथ में करके मुझे ये रियलाइज किया कि फिटनेस इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। तो भारत फिल्म में सलमान के साथ टीवी के 2-2 कलाकार दिखेंगे, एक तो हमारे विभूति जी हैं ही, और दूसरे हैं सुनील ग्रोवर, जिन्हें हम गुत्थी और रिंकू भाभी के नाम से जानते हैं। वैसे अपने सीरियल में भी आसिफ शेख अनिता भाभी के साथ फिल्मी रोमांटिक सीन दिखाने वाले हैं। झिंगुरपुर के राजा रानी रोमांस करेंगे, और उनके रोमांस में सक्सेना जी सेनापति बनकर सेंध लगाने की कोशिश करते भी दिखेंगे। मुंबई से सुमा वेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।